ईरान एक ऐसा कंट्री है जिसके ऊपर आज के दिन में सबसे ज्यादा सैंक्शन लगा कर रखा था अमेरिका, अब रशिया हो गया है। तो सैंक्शन का मतलब क्या, सैंक्शन का मतलब ये होता है कि वो ईरान किसी भी कंट्री से कोई बिजनेस नहीं कर सकता है, कोई रिलेशन नहीं बना सकता है, ऐसा मतलब यूएस प्रेशर देता है कंट्री को, तो सैंक्शन लगाता है कि कोई इसके संग करेगा अगर ट्राई तो हम लोग उसके संग नहीं करेंगे लोग, तो ऐसा एक ऐसा करके कंट्री के ऊपर सैंक्शन लगाता है अमेरिका। तो ईरान के ऊपर बहुत सारा सैंक्शन लगा हुआ है। उसका एक कारण ये भी है कि तीन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, येमेन में है आपका हाउथीस, फिर आपका ऊपर में हमास, गाजर में है हमास, और लेबनन में है जो हिजबुल्ला। ये तीनों टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को जो पैसा है, फंडिंग या फिर आपका आर्म्स सप्लाई सब ईरान करता है, ईरान ये लोग को बैक करता है। इसलिए करता है क्योंकि हाउथीस को रखा है येमेन में, इसे रखा है कि वो सऊदी अरबिया को चेक में रखता है, क्योंकि सऊदी अरबिया एक सुन्नी कंट्री है और वो एक बड़ा पावर बन सकता है वेस्ट एशिया में। दूसरा में है हमास और हिजबुल्ला, वो दोनों को इसलिए रखा है ताकि वो लोग और भी कुछ और भी वो लोग टेरिस ऑर्गेनाइजेशन और भी जगह टेरिस काम करता है लोग, लेकिन मेन वो लोग का ये है कि वो इजराइल को चेक में रखे ताकि इजराइल भी एक बड़ा सुपर पावर ना बन जाए वेस्ट एशिया में, क्योंकि ईरान ही चाहता है कि ईरान एक बहुत बड़ा सुपर पावर बने पूरा का पूरा वेस्ट एशिया में, इसीलिए ईरान ये सब करता है। और जहाँ तक बात है इंडिया का रिलेशन, तो इंडिया का रिलेशन इजराइल के संग बहुत अच्छा है, सऊदी अरब के संग भी अच्छा ही है, और ईरान के संग भी हम लोग का रिलेशन भी खराब नहीं है। अभी अभी हमने ईरान से एक चाबहार पोर्ट लिया है। तो इंडिया का सिंपल स्टैंड ये है कि जहाँ पे खराब है वहाँ खराब बोलने के लिए, जहाँ पे अच्छा है वहाँ अच्छा बोलने के लिए।